हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शो। मेरा नाम है खुसरो और आप देख रहे हैं केटेक इंडिया। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक रेडमी के नए फोन के बारे में जो कि बहुत जल्द ही मार्केट में लॉन्च होने वाला है। तो आइए देख लेते हैं इस वीडियो को। रेडमी नोट 4 की जबरदस्त सफलता के बाद शाओमी ने एक नया फोन लॉन्च करने का फैसला किया है मार्केट में, जिसका नाम है रेडमी नोट 5। जी हाँ दोस्तों, अभी तक ये फोन के बारे में कुछ भी कंपनी की तरफ से ऑफिशियल अपडेट्स नहीं आई हैं। कंपनी ने कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ इसकी स्पेसिफिकेशंस और प्राइस लीक हुआ है, जिनके बारे में आपसे आज बात करूंगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशंस की फोन के। तो इसमें आपको मिलता है 5.5 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले विद कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन। उसके बाद इसमें आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा, यानी कि सेल्फी कैमरा। इसके अलावा इसमें आपको 4GB की रैम मिलती है। तो इसमें जो प्रोसेसर एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो किया जा रहा है 2GHz का स्नैपड्रैगन कॉलकॉम का 652 ऑक्टा कोर, या फिर इसमें हो सकता है मीडियाटेक का हीलियो X25 डेका कोर प्रोसेसर। स्टोरेज की जहां तक बात करें तो 32GB और 64GB के वेरिएंट्स में ये फोन अवेलेबल होगा। 4000mAh की बैटरी होगी जो कि सपोर्ट करेगी फास्ट चार्जिंग को। इसमें आपको देखने को मिलेगा USB 3.0 कनेक्टिविटी। उसके अलावा ये फोन रन करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 7.1 नोगट पे। और अगर जब भी ये फोन अवेलेबल होगा, ये आएगा 3 कलर्स में, गोल्ड, सिल्वर और ब्लैक। और जहां तक बात करें प्राइस की, तो जो 32GB वाला वेरिएंट है वो आपको मिलेगा 10,999 में, और 64GB वाला वेरिएंट मिलेगा आपको 12,999 में। और जो लॉन्च है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है समर्स में, यानी कि अप्रैल से जून के बीच में कभी भी लॉन्च हो सकता है। लॉन्च सबसे पहले होगा इस फोन का चाइना में, और चाइना के बाद ये फोन 1 महीने के बाद आएगा एशिया के बाकी मार्केट्स में। तो चलिए अभी छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं प्रोसेसर्स के बीच में। तो बहुत सिंपल वे मैं आपको समझा देता हूं, अगर इसमें आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलता है तो जो प्रोसेसर रेडमी नोट 3 में है, Xiaomi Redmi Note 3 में वही प्रोसेसर इसमें हो सकता है। और अगर इसमें मीडियाटेक हीलियो X25 डेका कोर प्रोसेसर आया, तो वो प्रोसेसर इस्तेमाल किया है LE Eco ने LE2 फोन में चाइना वर्जन में। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। तो हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि Xiaomi Redmi जो है वो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर ही देगा इसमें। और उसके अलावा ये फोन इंडिया में कब लॉन्च होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई इसमें कंपनी की तरफ से इसका कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। तो अगर ये फोन मार्केट में आता है तो एक तहलका मचा देगा ये भी, क्योंकि ये फोन भी Redmi Note 3 की तरह अनस्टॉपेबल होगा, क्योंकि इतने कम बजट में इतना कुछ आपको मिलता है। इसमें आप अच्छी गेमिंग कर पाएंगे, फोटो अच्छे खींच पाएंगे और भी बहुत सारे काम इसमें आप कर पाएंगे, जैसे कि आप लोग Redmi Note 3 में करते हैं, क्योंकि वही वाला प्रोसेसर आपको सेम इस फोन में देखने को मिल जाएगा और उससे भी थोड़ी अच्छे अपग्रेड्स मिल जाएंगे इसमें आपको। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। मैं आपको मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।